हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसना। आज हम देखेंगे ये जो कोरल्स है, ओके, सो कोरल्स जो है ये कैसे ब्लीचिंग होता है, कहाँ पे ना, ये ग्रेट बैरियर रीफ। सो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पे है हम अभी देखेंगे। सो ये जो मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ये ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं, ओके। सो दिस वन इज ग्रेट बैरियर रीफ। सो ये कहाँ पे है ना, ऑस्ट्रेलिया में। सो न्यूज में किस लिए है, क्योंकि साइंटिस्ट, ओके, सो उन्होंने वार्न किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है अभी क्रिटिकल जो है फेस फेस करेगा, क्योंकि ये जो हीट के लिए। सो अभी आप सबको मालूम होगा, अभी जो ग्लोबल में वार्मिंग हो रहा है, सो उसके वजह से क्या है, ये जो कोरल्स है उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो इसलिए साइंटिस्ट ने अभी वार्न किया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है अभी क्या है, नेक्स्ट जो है कमिंग वीक में ये एक जो है वार्न किया गया है, उसको एक क्रिटिकल पीरियड फेस करेगा। सो अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम देखेंगे। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये मेराइन पार्क में है, सो व्हिच इज स्प्रेड नियरली लेंथ जो है ये 2300 किलोमीटर से, रफली देखेंगे तो ये साइज ऑफ द इटली का है। सो इसमें 3000 कोरल रीफ है, 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, एंड 1625 टाइप फिश है, 133 वेराइटी ऑफ शार्क है, एंड 600 टाइप ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल्स है। सो इसको ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक वर्ल्ड में हेरिटेज साइट है। सो कोरल रीफ के बारे में देखेंगे, ये कोरल रीफ वो ये क्या होता है। सो कोरल रीफ जो होता है ये इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट रहता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी रहता है ओशन में। कोरल्स क्या होता है, ये एनिमल्स का मिक्सिंग रहता है, जो कि क्या होता है, एक सेम क्लास का सिंडेरिया जो कि एक जेलीफिश है, एंड एनिमोनीज जो है ये मिलके क्या करते हैं ना, दोनों मिलके ये इंडिविजुअल पल्प्स जो है ये क्रिएट करते हैं, टुगेदर करके बिल्ड करते हैं रीफ्स को, ओके। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोरल्स जो होता है ये क्या करता है, ये वाइड रेंज ऑफ स्पेसिस रहता है जो कि यहाँ पे रहते हैं, एंड मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ कोस्टल बायोस्फीयर को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है, कोरल्स जो है ये कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो क्या करता है, ये वाटर में कंजर्व करके ये कन्वर्टिंग करता है लाइमस्टोन में, सेल में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ऑब्जर्व करके लाइमस्टोन में सेल में कन्वर्ट करता है। सो कोरल्स नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो डाइऑक्साइड है हमारा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो दैट क्या हो जाएगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रहेगा। सो ये हमारा इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट करता है, ओके। थ्रेट्स देखेंगे, कोरल जो है कोरल रीफ से या थ्रेटन बाय द क्लाइमेट चेंज के वजह से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो सी सरफेस से टेम्परेचर है उसका जो बढ़ रहा है, सो दैट क्या है, ये जो कोरल्स है वो टॉयलेट नहीं कर पा रहे। सो मैक्सिमम 40 डिग्री से 45 to 50 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट ये कर नहीं पाएंगे। सो दैट्स ऑल।